हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पाइथन फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज के थ्रू हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को समझेंगे विद पाइथन लैंग्वेज। तो आज के टाइम पाइथन हर जगह इस्तेमाल हो रही है। ये वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में इस्तेमाल हो रही है, मशीन लर्निंग एंड AI में इस्तेमाल हो रही है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में इस्तेमाल हो रही है, और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। पाइथन एक वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्रिएट किया था ग्यूडो वैन रोसम ने, और ये पहली बार रिलीज़ की गई थी 1991 में। हम कुछ की फीचर्स देखते हैं पाइथन के। तो पहला की फीचर है इसका रीडेबिलिटी। तो ये एम्फेसाइज करती है क्लीन एंड ईजी टू रीड कोड पर। ये इस्तेमाल करती है इंग्लिश कीवर्ड्स का, जो कि रिड्यूस कर देता है कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस को। और दूसरा की फीचर है पाइथन का इसकी वर्सेटैलिटी। तो ये सपोर्ट करती है बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और ये आइडियल है फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और दूसरी फील्ड्स के लिए भी। तीसरा की फीचर है पाइथन का इसकी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो इसकी एक्टिव एंड वाइब्रेंट कम्युनिटी है और रिच इकोसिस्टम है विद एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स। अब पाइथन को इस्तेमाल करने से पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन को, और एक हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि हम विजुअलाइजेशन कर सकें पाइथन प्रोग्राम के आउटपुट का बेहतर तरीके से। तो इसके बहुत से ऑप्शन हैं और हमने पाईचार्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पाइथन की वेबसाइट से हम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक कर कर, और उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और पाईचार्म के दो एडिशन हैं, एक है इसका प्रोफेशनल एडिशन और एक है कम्युनिटी एडिशन। तो प्रोफेशनल एडिशन पेड है और इसलिए हम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम तैयार हैं अपने पहले प्रोग्राम के लिए। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे और पाईचार्म इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की विंडो दिखाई देगी। तो ये इनपुट विंडो है जहाँ पर हम अपने सारे कोड्स लिखेंगे, और ये आउटपुट विंडो होगी जहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम प्रिंट, अगर हमें कुछ भी करना है अपने आउटपुट विंडो पर तो हमें एक कमांड देना होगा, प्रिंट कमांड। और इस प्रिंट कमांड में जो भी हम इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमाज भी हो सकते हैं और सिंगल भी, वो सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा अपने आउटपुट विंडो पर। तो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, सिंपली हमें अब रन करना है। ये रन करने के लिए हम इस रन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है शिफ्ट और F10। तो हम देख सकते हैं कि हमारा पहला अब प्रोग्राम रन कर चुका है। अब आने वाली वीडियो में हम पाइथन से रिलेटेड बाकी चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।